हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। ये देखिए, आज मैं क्रोशिया से बना हुआ ये शूज, बच्चों के शूज लेकर आई हूँ। ये देखो कितना सुंदर शूज है। आज मैं इसको बनाना सिखाऊंगी, ये कैसे बनाते हैं। ये देखो, नीचे से ये ऐसे है और ये ऊपर से ये डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। चलो इसको बनाना सिखाती हूँ मैं। ये देखो, मैंने 3 कलर की वुलन से बनाया है। ये मेरे पास ये बेबी वुलन है, ये 3 कलर की, और 10 नंबर के क्रोशिया से मैंने इसे बनाया है। देखो बनाते हैं हम इसको। इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, तीन हमने डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद एक दो चैन बनाएंगे, फिर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखो ये 3-3 करके बनाए। अब ये वाला इसको हम खींच देंगे इस तरह, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाए हमने। फिर देखो इसके अंदर से हम बनाएंगे, 3-4। ये देखिए, अब इस सेकेंड रो ये स्टार्ट हो गई है। देखो 2-2-4-2-6 मैंने इसमें डबल क्रोशिया बनाए, फिर दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर ये देखो ये होल में से हम इस तरह दो चैन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये देखो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। इसके ऊपर से हम इसके अंदर से जो होल होते हैं उनमें से हम बनाएंगे। देखो 4 हो गए, और ये देखो 2 इस होल में से बनाएंगे, 5 और ये 6 हो गए। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी होल में से 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह।
जो हमने ये तीन तीन बनाए थे इनके ऊपर हमको छः छः बनाने हैं इस तरह से, ये ना चकोर बन जाएगा। फिर देखो दो तीन चार पाँच और एक ये छः, छः डबल क्रोशिया बनाए, फिर दो चैन बनाएंगे, फिर इस तरफ हम छः बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह हर एक उसमें से हमने ये ऐसे बनाए। अब ये देखो एक दो चैन बनाएंगे, इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ये सेकंड राउंड हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब फिर हम इसी में से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये देखो इस थर्ड लाइन में हमारे नौ बने, और दो चैन बनाएंगे, फिर इसमें से हम दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ नौ बनाने के बाद दो चैन बनाएंगे, एक दो चैन बनाएंगे, फिर इसी में से दो डबल क्रोशिया, फिर इधर इस साइड में देखो जैसे हमारी इस साइड में नौ बने हैं, इस साइड में नौ, फिर यहाँ यहाँ चारों तरफ नौ नौ डबल क्रोशिया बनेंगे इसमें, इसी तरह फ्रेंड्स हम बढ़ाते जाएंगे तो स्क्वायर हमारा बड़ा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फोर्थ लाइन है, फोर्थ लाइन में हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अब ये 12, देखो 12 क्रोशिया हो गए, ये डबल क्रोशिया 12 हो गए हैं। फिर हम एक दो चैन बनाएंगे, फिर इस तरफ एक साइड में
फिर 12 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये देखिए 12 12, मतलब इस साइड भी ये 12 हो गए, इस साइड भी 12 हो गए। अब ये एक साइड में रह गया है, देखो। फिर दो हम चैन बनाएंगे, 1 2 दो चैन बनाने के बाद देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी लाइनें ये यहाँ से यहाँ तक बना ली हैं। इसमें हमारे 11 11 डबल क्रोशिया बने थे। अब ये देखो, यहाँ से मैंने यहाँ तक एक कोने की तरफ को ये बनेगा दोबारा से। अब ये देखो, हम कलर चेंज कर रहे हैं, इस कलर को ब्लू कलर में लगाऊंगी यहाँ पर। मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ, आप कोई भी अपने पसंद से कलर लगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये लगा रही हूँ। देखो, दो चैन बनाने के बाद फिर हम यहाँ से वापस होएंगे और ये जो हमें एक साइड से ही डबल क्रोशिया अब बनाने हैं इस तरह से। हर एक होल में से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह हर एक होल में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो, इस साइड में ऐसे बनेगा और फिर बीच में दो चैन बनाने के बाद फिर इसमें दो डबल क्रोशिया बनाए। अब एक होल में से, हर एक होल में से हमको इस तरह डबल क्रोशिया बनाने हैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये देखो, ये एक साइड में हमारा ये ब्लू कलर से बना लिया मैंने। अब देखो, ये रो हमारी ये ख़त्म हो गई। अभी यहाँ से फिर दोबारा से हम येलो कलर से बनाएंगे।
एक दो चैन बनाने के बाद मैंने जैसे ही इसमें बनाया है फ्रेंड्स, ये देखो पहले ब्लू से बनाया, फिर दो मैंने येलो की लाइन बनाई है, फिर ब्लू की, फिर पिंक की, उसी तरह मैं बना रही हूँ, इसका पेयर बना रही हूँ मैं। तो मैं येलो की लाइन ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। देखो एक लाइन मैंने येलो कलर से बना दी है, ये देखो इस तरह से ये बनता हुआ जाएगा, ये देखो। अब फिर इसके ऊपर एक लाइन मैं येलो की और बनाऊँगी, इसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाते जाओ और अपने आप ये बढ़ता हुआ चला जाएगा एक साइड से। ये देखो कोने पे हम कैसे बनाएंगे, ये देखो इस होल में से ही हम दो डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाए और दो चैन बनाएंगे, एक दो, दो चैन बनाने के बाद फिर इसी में से दो और बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह, दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर अब इनमें से सारे डबल क्रोशिया के होलों में से इसमें से बनाते हुए हम ले जाएंगे इस तरह। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैंने दो येलो कलर की लाइन निकाल दी है, अब हम फिर यहाँ से ब्लू कलर लगाएंगे, ब्लू कलर से बनाएंगे। देखो मैं यहीं से लगा देती हूँ ये ब्लू कलर, दो चैन बनाने के बाद हम यहीं से घूम जाएंगे और ये होल में से ये देखो इस तरह बनाएंगे। इस तरह ये पूरी लाइन निकालनी है, पूरी निकाल लेती हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये इतना मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर बस दो लाइनें मैं पीले से और बनाऊंगी, पीले कलर से मैं दो लाइनें बनाऊंगी। फिर इसके बाद मैं इसको सिलना सिखाऊंगी आपको कि कैसे सिला जाता है। देखो मैं यहाँ से फिर से ये पीला कलर लगा रही हूँ, इस तरह से दो चैन बनाने के बाद तीन चैन बना लो। तीन चैन बनाने के बाद फिर डबल क्रोशिया इस तरह बनाना है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह हम पीले कलर से ये रो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन से सॉक्स बनाई गई है, बहुत अच्छी दिखाई देती है फ्रेंड्स। जरूर ट्राई करें और बच्चों को पहनाएं। इस तरह मैं पूरा बना के अभी दिखाती हूँ, फिर आपको ये दो रो बना लेती हूँ, कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखो बीच में हम आ गए हैं। यहाँ पर बीच में तो मैंने सिखाया आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, ये कोना बनाने के लिए इसमें देखो इस होल में से हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। दो बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन बनानी है, एक दो। दो चैन बनाने के बाद फिर दोबारा से इसी में से होल में से हम दो बार बनाएंगे, एक दो। इस तरह ये हमारा ये कोना बन जाता है और पूरा इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये बन के आएगा। अब देखो इसको सिलना मैं बताऊंगी। ये ना ऐसे ऐसे करके सिलना है। ये देखो इस साइड से ऐसे करके, ये बैक साइड, ये इस साइड है बैक साइड और ये राइट साइड है, तो हम इसको इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे। इनको मिलाते हुए ऐसे सिलाई करना है, इसको मिलाते हुए यहाँ से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। ये फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 12 लाइनें बनाई हैं ऐसे ऐसे करके। ये देखो, एक तो मैंने येलो की बनाई है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 लाइनें मैंने बनाई हैं। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना सकती हैं। और ये चौकोर हिस्सा है जो ये वाला भी स्क्वायर। देखिए, ये आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर को भी थोड़ा बड़ा कर लें और ये लाइनें भी बढ़ा लें तो बड़े बच्चे का सूज बन जाएगा। और ये देखो, ये ऐसे दो तीन साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। देखो सिलाई हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा ये छोड़ के येलो वाली लाइन से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से हम सिलेंगे इस तरह से, लाइन को लाइन से मिलाते हुए हम सिलाई करेंगे।
देखो यहाँ तक हम इस तरह सिलेंगे। यहाँ के बाद इसको थोड़ा सा हम गोलाई में सिलेंगे, तो यहाँ से इसको ऐसे छोटे छोटे ये फंदे से भरते हुए इस तरह से। इस तरह से फंदे हम भरते हुए इसको यहाँ एक नॉट बना देंगे। इस तरह से यहाँ पर ये ऐसे बनाएंगे कोना, फिर यहाँ पे ये देखो इसी तरह से लेंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हम थोड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। ये ऐसे हमने फोल्ड किया, ये देखो मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको। ये जैसे ये हमारा ये कोना है, इसको हम अंदर की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और मिला के इसको सिलाई करेंगे। देखो एक साइड की हम पहले सिल लेते हैं, अब देखो इस साइड में ऐसे सिलेंगे इसको। ऐसे हम सिलाई कर देंगे इसको। अब इसको हम पलटेंगे, ये नीचे से इस तरह से आएगा और ये देखो आगे से इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया। देखो फ्रेंड्स मेरा शूज बनके तैयार हो गया है। देखो कितना सुंदर शूज लग रहा है, आप एक बार जरूर ट्राई करना है। ये देखो नीचे से ऐसे आएगा और ऊपर से इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मेरे शूज बनके तैयार हैं। ये देखो, आपको मेरे शूज पसंद आए हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।